भाई आप सबके बीच में बहुत बढ़िया बिरहा प्रस्तुत की रुचि के द्वारा कि घंटा क्यों नहीं बजा। भाई द्वापर युग की बात है और बिरहा ये हरोस द्वापर युग को होए कतो अंत न होए, लेकिन कहना है तनी दो लाइन भोजपुरी ले ले मास्टर। एको प्रेमी और प्रेमिका की बात है, मतलब एको लड़की और एक लड़का के बाबा कहना है मास्टर, तनी हमारी ओर ध्यान दे। जेकरा चेहरा पर नूर हो जाला ओकरा सचहू में गरूर हो जाला। कवि कितना बेहतरीन लाइन लिखता है कि जेकरा चेहरा पर नूर हो जाला ओकरा सचहू में गरूर हो जाला। तो जेकरा चेहरा पर नूर हो जाला अरे वो करा सचहू में गरूर हो जाला। यह देखल गईल बाजे जमाना में तो वो करा सचहू में गरूर हो जाला। कहना बा उ लड़का ओह लड़की से कहता का हेलो यह बात कहत मास्टर के हमारे संकेत बा का कि सब कहे ला कि बहुत सुघर वाड़ू तू तो ना लागे न काची उमरिया में तो ना कि सब कहेला कि बहुते सुघर बाड़ू तू और टोना लागे न कांची मरिया में नैना पवलो सरा बिनता कल करा छत की रानी ना रूप की रानी ना छत से झाकल करा जादू भरा लाबा नजरिया में तो जादू भरा लाबा नजरिया में तो हर इस बात को समझते हुए आप आदरणीय परम सद्धे श्रीमान राजेश कुमार बाबा जी के परम शिष्य श्रीपुर के पावन धरती से एक रुपया के महान माया पुरस्कार भैया के बार बार प्रणाम है। कहना है वो आशिक अपनी मासूका के रूप का वर्णन कर रहा है और कहता क्या है
कि तोहके फुर्सत में पाके बनवले खुदा, अगले लाइन में अगले बंद में कवि कितना बेहतरीन भाव लिखता है। का जरूरत बाना धोनी कंगन हार के, फूल महके लखू दे खिलल डार में, बिछल बतोहारे डहरिया में, बहुत छोटा सा भी रहा। महाभारत से आप सबके बीच में भंडारा के बात भाई उपलक्ष्य भी रहा हो के चाहिए, तो इधर से भी महाभारत से ही भी रहा है। बिरहा का शीर्षक है कि कर्ण का दूसरा जन्म, चार लाइन के भूमिका है, मास्टर कहना है। चमकता सितारा खास राजा सिबिया दधीच रहे, दान में अर्पण किया था तन सारा, गूंजे कीर्ति जहां में मोरंग ध्वज की, के ऊपर चलाया था और घूम मर घट पे राजा हरिश्चंद्र जी, दान दे सत्य से कदम पीछे ना पछाड़ा, मदानियन के बात हो कहना है। एक लाइन गजल मिला मास्टर बाबा, गजल के भाव बा खुद भी वे परेशान है,
पर मुझको आजमाने में तो तर्ज बालक निसी भाव में आज बिरहा में कवि जी कितना बेहतरीन भाव लिखत है। कहना है हरे चरचा में दानियों में, हरे चरचा के दानियों में अब कुंती का दुलारा है। चरचा के दानियों में अरे अब कुंती का दुलारा है। अरे छटा भी हंसे उन पे, अरे छटा भी हंसे उन पे दुनिया में नजारा है। बाबू साहब महाभारत की बात है, कहना है सर नजब के भाव लगल मास्टर। जगत के दानियों में कर्ण महादानी था, जगत के दानियों में कर्ण महादानी था, जंग महाभारत में उसे न बड़ा सानी था। लिए परीक्षा मोहन मरते दम समरिया में, लिए परीक्षा मोहन मरते दम समरिया में, खास बन विप्रय ले कर्ण की अगरिया में। सामने पहुंच करके अलख को जगाए हैं, सामने पहुंच करके अलख को जगाए हैं, दान दे दो कर्ण बात को फरमाए हैं। बाबू साहब विप्र का भेष धारण करके कन्हैया अर्जुन महाभारत के युद्ध में जब घायल अवस्था में कर्ण पड़ा हुआ है उसी समय में परीक्षा लेने के लिए पहुंच जाते हैं। और जब पहुंच जाते हैं लख निरंजन करते कर्ण जमी पर धराशाही हाथ जोड़ करके कहता है कि महाराज आज इस समय पे अवस्था में हमारे पास कुछ नहीं, बका दे आपकी दान। लेकिन भगवान विप्र का भेष धारण करके कहते हैं कि कर्ण तुम चिंता क्यों कर रहे हो, अभी तो तेरा दांत सोने वाला है, वही दांत तोड़ करके मुझे दान दे दे। इतनी बात सुनता है कर्ण अपने मन में विचार करने लगता है, कहता क्या है, अरे देखकर विप्र कर्ण मन में तब हर्षाया है, तोड़कर दांत सोने वाला तब थमाया है। इधर आपादरणीय परम सद्गुरु श्रीमान सुनीता शर्मा
तिवारीपुर की पावन धरती से 51 रुपया की महान माया पुरस्कार बार बार प्रणाम है कहना है। जब कर्ण सोने का दान तोड़ करके पंडित को देता है दान में, तब स्वयं और विप्र डांट करके कहते हैं कि ए कर्ण, तू मुझे झूठा दान दे रहा है, मैं झूठा दान नहीं लूंगा। तब कर्ण लाचार होकर के अपनी धनुष को उठाता है और धरती पर चला देता है, पाताल गंगा को प्रकट करता है। आप आदरणीय परम श्रद्धेय श्रीमान हरिहर प्रसाद तिवारी दर्पापुर के पावन धरती से एक रुपया के महान माया पुरस्कार पंडित जी के चरणों में बार बार प्रणाम है। पाताल गंगा को प्रकट करता है और उस दांत को धो करके जब कन्हैया को देता है बाबू साहब, कन्हैया दान पा जाते हैं और कहते हैं कि कर्ण, मैं तेरी भक्ति से प्रसन्न हूं, मांग ले जो वरदान मांगना हो। आज हाथ जोड़ करके कर्ण कहता है बाबा कि हे प्रभु, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मेरी ये अंतिम इच्छा है कि मेरी लाश उस जगह पे जलाई जाए जहां पर किसी का अंतिम संस्कार न किया गया हो। क्या बात है। तुरंत कन्हैया और अर्जुन पूरी धरती को छान मारते हैं लेकिन कहीं भी ऐसी जमीन नहीं मिलती और स्वयं कन्हैया अपनी हस्तेली पर चिता बनवा करके कर्ण की का अंतिम संस्कार करते हैं बाबूजी। और अंतिम संस्कार करने के बाद वो कर्ण स्वर्ग में जाता है बाबूजी। इधर आप आदरणीय परम श्रद्धेय श्रीमान शेष देवमण त्रिपाठी जिनके करकमल द्वारा 50 रुपया की महान माया पुरस्कार बार बार चरणों में प्रणाम है। आज बाबू साहब वो कर्ण स्वर्ग में जब जाता है तो देखो होता क्या है। एक लाइन तर्ज मिला मास्टर। एको कोड़ो को मुर्गा बोले, एको दुल्हनी के दुल्हा बड़ा आलसी रहे और 8 बजे भोरहरिया तक सोई, तो वो दुल्हनिया जगावत कैसे बा। कुकड़ों को मुर्गा बोले छोड़ दी कलाई जी, अरे छोड़ दी कलाई जी, काहे लासी आइल बाड़ा भोर भइले जाई जी, भोर भइले जाई जी। लेकिन इसी भाव में आज जब कर्ण स्वर्ग में पहुंचता है तो उसके सामने क्या क्या घटना घटती है बाबूजी। कहना है कि स्वर्गवा में मिलल आज, स्वर्गवा में मिलल बाबू सोने के भोजनावा, सोने के भोजनावा खाना देख कारण आज कारेला रुदानावा हो, कारेला रुदानावा। बाबू साहब सारी उम्र कर्ण सोनेन का दान दे रहा है, इसलिए जब उनका स्वर्गवास भात स्वर्ग में बढ़िया सोने के टाठी में सोने के पूड़ी, सोने के सब्जी, सोने के दाल चावल, सोने के चटनी, सोने के सलाद, सोने के गिलासे में सोने के पानी भर के आएगी सामने। अब कर्ण सोचत है इनकी भोजन हम सोना कैसे खाई, एकदम आश्चर्यचकित हो गए। तब वो कर्ण करता क्या है, हर पहुंचा है कारण ताबो हरी के सरानिया, गलती कवना नाथ बोला सुख दनिया, कर्ण
भगवान के शरण में जाकर के पूछता है कि प्रभु हमार कौन गलती आ जवन सब सोने के मिलत बा। तब भगवान समझावत है इन कर्ण के कि बोवे लगे हूँ कैसे, अरे बोवे लगे हूँ कैसे, काटब्या तू धनावा, काटब्या तू धनावा, खाना दे कारण आज कारे लारू धनावा हो, कारे लारू धनावा हो, जाहे के हो कैसे, काटब्या तू धनावा हो, काटब्या तू धनावा, खाना दे कारण आज कारे लारू धनावा हो, कारे लारू धनावा हो। भगवान समझावत हैं कि कर्ण सारे जिंदगी तो सोने के दान दे आत तोहका अन्न कहाँ से मिले बाबा। कहन महाराज हम समझ गए हमसे कौन गलती भई बा, और आपसे हम करजोड़ की प्रार्थना करते ही कि हे प्रभु एक बार हमके फिर अवसर दिया, हम मृत लोक में जाई और अब की बार हम अन्न के दान करब। भगवान कर्ण की विनती को स्वीकार कर लिए और कहा यो मस्त, फिर से जा तू धरती पे, तुम्हारा जन्म होगा और अब की बार जा करके अन्न का ही दान करना बाबूजी। यहर होता क्या है, एक लाइन तर्ज मिला, आप आदरणीय परम श्रद्धेय श्रीमान राम मिलन यादव पालनपुर के पावन धरती से काका जी के कर कमलों द्वारा 51 रुपया की महान माया पुरस्कार चरणों में बार बार प्रणाम है, लेकिन कहना है एक लाइन तर्ज मिला, एक देवर और भौजाई की बात बा, वो देवरवा बतावत है, अरे हमरा के दूर दूर ना ए भौजी, हमरा के दूर दूर ना, कि भौजी कि भौजी भैया के खियावेली करेली देवर के दूर दूर ना, भौजी यही बात इस तो तर्ज बालक इसी भाव में आज कर्ण हाथ जोड़ के भगवान के सामने कहता क्या है, हरे अन्न के दानवाना, हाय राम अन्न के दानवाना, भैले दुई परानिया, अरे भैले लला नवाना, हाय राम भैले लला नवाना, भैले खुशी होकर के खुशी में बाटे से ठजी दानवा, हाय राम भैले ललनवा, इधर बाबू साहब शहर गुजरात में एक सेठ दुई परानी रहे और उनकर उम्र एकदम करीब आ गई रहे, बहुत दिन से उनके लिखो औलाद न रहे, और कर्ण के दूसरा जन्म वो नहीं सेठ और सेठाइन के माध्यम से हुआ बाबू। आज सेठ और सेठाइन बड़े खुशी में गीत गौनाई होत, मंगल चार होत है, और वह लड़िका जो सेठ की यहाँ पैदा भयन कर्ण उनके बचपने में शादी कर दी,
कहन कि हमार चौथा पन चलत है, पता ना कब प्राण पखेरू निकल जाए। यह कारण हम अपने बेटवा के शादी अपने आंखी के सामने कह दी। बाबू साहब बचपन में शादी कह दी है और शादी कह दी है और करण जो वहां पैदा भर है वो एक नियम अपना ली है कि हम रोज अन्न के दान करब और अन्न के दान करब, चाहे जे भी आवे हमारे दरवाजा पे साधु महात्मा ऋषि महर्षि सब के बिना भोजन कराए अपना भोजन प्रतिज्ञा कर लिए बाबूजी। और इसी तरह से कार्यक्रम आगे चलता रहा। सेठ सेठाइन दोनों जने बाबू साहब इस दुनिया को छोड़ करके चले गए। धीरे धीरे कर्ण और कर्ण की औरत उनके एक छोटा सा मुन्ना हुआ बाबूजी। दान चल रहा है रोज बगैर किसी विप्र को भोजन कराए अपना भोजन न करत रहा। लेकिन देखा राधे से हम चौपाई के भाव लगल मास्टर हर खिल रही ख्याति सारे जग में कर ब्याह दुलनिया को लाया कर ब्याह दुलनिया को लाया गुल खिला कली से प्यार हुआ एक सुंदर सुत को है पाया सुत हर से भगवान पे ध्यान लगाते थे भगवान पे ध्यान लगाते थे निज नया अतिथि को खोज सदा साधुओं को भोजन कराते थे बाबू साहब। रोज नित का उनका यही काम था कि बगैर किसी को अतिथि को भोजन कराए अपना तीनों प्राणी भोजन न करते रहे। आप आदरणीय परम सद्धे श्रीमान जय प्रकाश त्रिपाठी दरपापुर के पावन धरती से 51 रुपया के महान माया पुरस्कार। एक दिन तीनों प्राणी आपस में विचार किए कि रोज तो यश दान की जात पर लावा एक दिन भंडारा कह दिन जाए। बाबू साहब भंडारा फान दिए हमारे बाबा की ना न्योता भिजवा दिए न्योता भिजवाए दे भोजन बन के तैयार बा क्यों न्योतारी नहीं आए। तीनों प्राणी सवेरे से इंतजार करो थे कोई भोजन करे वाला नहीं आए। धीरे धीरे शाम हो गई बाबूजी। अब वो सेठ अपने मन में सोचने लगा कि आज मेरे दरवाजे पर कोई भोजन करने के लिए नहीं आया और बगैर भोजन किसी को कराए मैं भोजन करूंगा नहीं, मेरे साथ मेरा छोटा बच्चा है पत्नी है मेरी। बाबू साहब आज आंखों में आंसू लेकर के सोच रहा है और सोचता है अपने मन में कि अगर कोई नहीं आया मेरे दरवाजे पर तो मैं खुद जाकर के किसी को ढूंढ करके लाऊंगा और अपने दरवाजे पर भोजन करा के तब भोजन करब। आज बाबू साहब जाते लेकिन एक लाइन तर्ज मिला मास्टर तर्ज ये वह बा कि रोनो के झोनो की जोगी जोगा वारा मावा ले हो जोगा माता जगी आया वेला हो राम पियाई हो रामा जो माता झमाता लेकिन इसी भाव में कहना है बाबूजी कि एक दिन न पाए साधु मढ़ली मन फिकारिया हो बढ़ली मन फिकारिया हो ढोरा 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 के नजारिया हो राम यही हो राम।
निमंत्रण खाने के लिए नहीं आया तो करत काहेन, अरे चाहो मुख सिवा न खोजत पहुँचे पिया बनावा हो पहुँचे। देखिए कसाधु कोढ़ी चुवती बासमाना वाहो जब कोई निमंत्रण खाने के लिए नहीं आया तो सेठ जी अपने दरवाजे से निकल पड़े अतिथि को खोजने के लिए। खोजत खोजत कुछ दूर जंगल में चला गए थे, एक गुफा बा, वही गुफा में से एक आवाज आवत राम राम के। और सेठ जी जब गुफा के पास पहुंचे तहाँ देखा था एक महात्मा राम राम के आवाज निकलत भजन करत है और पूरी देह एकदम कोढ़ चुवत बा। आप आदरणीय परम सद्धे श्रीमान रमाकांत उपाध्याय श्रीपुर के पावन धरती से 50 रुपया के महान माया पुरस्कार बार बार चरण में प्रणाम है। जब वो महात्मा के कोढ़ चुवत बा उन्हीं के सामने वो सेठ पहुंचे हाथ जोड़ के कहत का है, रोई रोई से ठटा बा कहा ले जिकारी आओ कहा ले जिकारी आओ कहा ले जिकारी आओ। रोई रोई से ठटा बा कहा ले जिकारी आयर कहा ले जिकारी आओ ढोरा 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 का नजारी आओ राम आज बाबू साहब महात्मा के चरणों पर वो सेठ गिर पड़े। कहें महाराज आप की ढूंढा ढूंढा इतनी दूर तक आए, आप चल के हमारे यहाँ भोजन कर लें। महात्मा बिगड़ गए, कहा ए सेठ हमका एहमू अमुक साधु समझत है का। कहें तब महाराज कहें जा अपने मेहरारू कह दिया सोरह सिंगार कह के बढ़िया से एक खांची में रुई सजाई के आवे प्यार से अपने हाथे से उठाई के वही खांची में बैठाए के सिर पे उठाई के लेके चले अपने दरवाजा पर तब हम भोजन करो। इतनी बात को सुन करके कर्ण वो सेठ फिर वापस आया, अपनी औरत से बताया पतिव्रता औरत पति की बात को मान करके सुरह श्रृंगार करके सिर पर एक खांची में रुई सजा करके लेकर के उस गुफा के पास पहुंचती है और महात्मा को प्यार से उसी खांची में उठा करके बैठाती है और फिर सिर पे उठा करके बाबू साहब दरवाजे पर अपने लाती है। तो कहना क्या है, हर जाके हर चरण धर ते ही छनावा बयानावा बाबा जी कहा लेना। हर करी सो रहो श्रृंगारी नारी जब खांची में बैठाई हो रामा खांची में बैठाई हो रामा। अरे खास भवन पर अपने चली है, अरे अपने हाथ उठाई बयनवा बाबा जी कहले बयनवा बाबा जी कहले जो पतिव्रता औरत खांची में रुई सजा करके उस महात्मा को बैठा करके अपने भवन में लाती है
और बाबू साहब बढ़िया आसन लगा करके बैठाती है दोनों परानी सेठ और सेठाइन बाबा के चरण धोवत है। पापड़ के भाव लगल मास्टर कहना है अरे लगे पखार दुइना जना चरणवा साधु सेवा में औला के भोजन रख दिहले समनवा साधु सेवा में उधर छोटा सा मुन्ना के कर कमलों द्वारा 20 रुपया की महान माया पुरस्कार, नाम नहीं बताया लेकिन आशीर्वाद है कि मुन्ना जहां भी रहे एकदम खुशहाल रहे, अपनी माता पिता का नाम रोशन करता रहे। आज बाबू साहब बढ़िया पकवान 56 प्रकार के भोजन बना करके सेठ सेठाइन महात्मा के सामने लाए के रख दी है, और जब भोजनवा देखते है तो साधु बाबा की अखिया लाल पियर हो गए। तो कहना काबा कि बोले साधु बाबा मोरा ओ घड़ी घराना वा ओ मानो मास छोड़ी दूसर करी ना भोजना वा हरे गर होई छकाटा तू ललनवा साधु सेवा में। आज बाबू साहब वो महात्मा कहते हैं दाल चावल पूरी सब्जी खाए बदे ना आए ही हम, अगर हमके भोजन करावे की बा तो यूं तहार लड़िका बा एक एक काट के एक मांस बना करके हमका दे तब हम भोजन तोहरे हियाँ करो। तो कहना है अरे गर होई छकाटा तू ललनवा साधु सेवा में तब करब तोहरे घर भोजनवा साधु सेवा में। महात्मा ने कहा जब इस बच्चे को काट करके इसकी मांस को बनाओगे तभी मैं भोजन करूंगा वरना भोजन नहीं। तब सेठ और सेठाइन की आंखों से आंसू गिरने लगा बाबूजी, लेकिन आल्हा के भाव मिलन मास्टर कहना है कि जैसे परसेवा में जैसे राजा सीबी बाबू पार सेवा में भैया दिहले अपने तन का बोटी बोटी लगा महात्मा कहता जैसे राजा सिवी जी अपने तन के बोटी बोटी अलगा दे रहे वैसे आज अपने बेटवा के काटा और आंखी से एक को आंसु गिरे के ना चाहिए, अगर आंसु गिरी जाए तो भोजन न करब। बाबा गिरी है जब एक बूंद आंसू आखिया से भैया करब ना भोजनवा साधु बोले ऋषिया इतने में मोहन लाल आ गए समनवा दादा बाबूजी से बातिया के कहले तब तीखा इतने में वो छोटा मुन्ना सेठ के आई है सेठ के लगे अपने पिता के लगे हाथ जोड़ के कहा था बाबू अगर महात्मा की इच्छा यह बा तो आप बाबू इनकी बात को मान करके मुझे काट करके महात्मा को भोजन करा दीजिए बाबू। इतनी बात जब सुनते हैं तो होता क्या है मुन्ना कहता क्या है हरे काटी गरदनवा भोजनवा करावा हरे काटी गरदनवा भोजनवा करावा हरे
दुनिया में धर्म का पता का लहरा वो लड़का कहता है बाबू महात्मा की बात को मान करके आज हमके काट के भोजन करा दा ताकि पूरे संसार में धर्म का नाम का पताका लहराता रहे। बाबूजी आज बाबू साहब सेठ और सेठाइन मिल करके अपने बच्चे को काटती कैसे है पंधारी के भाव लगल मास्टर। अरे धरती डोली रवि गगनवा निहारी दुनिया कूटे वो खाली में ललनवा मतारी दुनिया हो तो लाल को हलाल करके भोजन के कराई करी सो रहो श्रृंगारी नार फिर खाची में बैठाई। अरे चलली गुफा के मझारी मतारी दुनिया तकूटे वखली में ललनवा मतारी दुनिया आपादरणीय प्रभु सद्धे श्रीमान क्षमापति तिवारी दर्पापुर के पावन धरती से 51 रुपया की महान माया पुरस्कार बार बार चरणों में पड़ाओ। आज बाबू साहब सेठ और सेठाइन अपने बच्चे को काट करके भोजन कराई और फिर वही सेठाइन सुरहो सिंगार करके वही खांची में महात्मा के बैठाए के फिर ले जाए की गुफा के पास छोड़ थे बाबू। तो कहना है तो दिहली उतारी तुरत प्रगटे खरारी इतने में मोहन लाल माता कह पुकारी। अरे धन्य प्रभु की माया तोहरी भारी दुनिया तकूटे वो खली में ललनवा मतारी दुनिया साहब सुरहो सिंगार करके महात्मा को उसी खांची में बैठा करके फिर गुफा में ले जा करके उसी आसन पर बैठा देती है और बैठा करके जैसे ही वापस मुड़ती है एक अचंभा हो जाता है बाबू साहब। पीछे से आवाज आती है वो लड़का अपनी माँ को पुकारते हुए बाहर की तरफ आ रहा है। माँ घूमती है पलट कर देखती है कि उसका लड़का मोहन लाल बुला रहा है। आज बाबू साहब दौड़ करके अपने बेटे को अपने छाती से लगा लेती है और आंखों से आंसू गिरने लगता है। तब वो महात्मा अपने असली रूप में प्रकट होते हैं। आज बाबू साहब जब प्रकट होते हैं तो कहते हैं कि ए सेठ ए सेठाइन मैं तेरी भक्ति से प्रसन्न हूँ, जो मांगना हो मांग लो। आज बाबू साहब हाथ जोड़ करके वो दुखियाई प्रभु से कहती है कि प्रभु जिस तरह से आज मेरी परीक्षा आपने लिया है इस तरह से अब किसी की परीक्षा मत लेना प्रभु, नहीं तो आपको कोई मानने वाला इस संसार में नहीं रहेगा, आपके गुणगान करने वाला इस संसार में कोई नहीं रहेगा प्रभु, आपको सब झूठा मान लेंगे। इसलिए प्रभु जिस तरह से मेरी परीक्षा आप लिए हो इस तरह से किसी की परीक्षा मत लेना बाबा। आज बाबू साहब खुशी हो करके ओ मतारी अपने बेटवा के लेकर के अपने घर को आती है। आखिरी लाइन में कहना है कि गुरु बिहारी गुरु रमन के परदेसी गुण गावे। अरे हीरा मंगल राम राज
अरे मैया के दर्शन पावे तो मर्यादा के निभाई दुनिया तगावे महानंद सब ही से करते वादा मर्यादा के निभाई दुनिया इसीलिए कहा गया है बाबू साहब की संसार में अन्न के दान का बड़ा महत्व होता है, इसीलिए आज भंडारा होता है। आज हमारे बाबा श्री लालमण तिवारी जी ने इसी बात को सोच करके इस भंडारे का आयोजन किए, किसी बहाना भंडारा भी हो जाएगा और सब बिरादरी पंचन के दर्शन भी हो जाएगा और बिरहा का आनंद भी हो जाएगा। कहना है कावन फूलवा फूले बोल सारावा कावन फूलवा साध फूले हो कि मैया मोरी कावन फूलवा फूले आधी रातिया भवानी मैया झूमत आवे हो कावन फूलवा फूले भोर हरिया कावन फूलवा साथ फूले हो कि मैया मोरी कावन फूलवा फूले आधी रातिया भवानी